हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। वीज़ा गाइड देखने वाले आपसी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूवर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का बटन है उस पर क्लिक करके आप बेल दबा दीजिए। मैं कोई भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास सीधे पहुंचेगा अगर आप बेल के बटन पर क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के बटन पर क्लिक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, कमेंट किया, पूछा मकाऊ के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा मकाऊ का वर्क वीज़ा और जो मकाऊ का ब्लू कार्ड है उसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे आप ले सकते हो और कैसे आप वहाँ काम कर सकते हो, क्या आपको वहाँ सैलरी मिलेगी और किस सेक्टर में आपको वहाँ पे ज़्यादा काम मिलेगा। तो सारा चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, सब कुछ आपको मैं बताऊँगा कि उसके लिए आपको ये छोटी सी वीडियो है जिसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। मैं वीडियो काफ़ी शॉर्ट बना रहा हूँ, 5 मिनट की वीडियो रहेगी और इससे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा। तो मैं आपसे वीडियो बनाऊँगा, काफ़ी शॉर्ट बनाऊँगा, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, इन्जॉय करेंगे और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर आप इंडिया से, अगर आप मकाऊ जा रहे हो, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हर कंट्री के लोग हैं जो मकाऊ में काम करते हैं और अच्छी खासी सैलरी मकाऊ में कमाते हैं। तो अगर आप इंडिया से मकाऊ जा रहे हो तो मकाऊ में आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। मकाऊ वीज़ा फ्री एक्सेस आपको देता है 30 डेज़ के लिए। और अगर आपको जॉब सर्च करना है तो काफ़ी सारी वेबसाइट है, काफ़ी सारे पोर्टल हैं जहाँ पर आप जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। आप मकाऊ में जाके भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो मकाऊ बहुत बेस्ट है काम करने के लिए। मकाऊ में अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी अगर वहाँ पे आप जाते हो काम करने के लिए तो सैलरी आपको मिलेगा $2,500 महीने के, $3,000 के बीच में, मिनिमम $2,000 तो मिलना ही मिलना है। तो मकाऊ जो है वो एशिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देता है और एशिया में इतनी सारी कंट्री हैं लेकिन सबसे अगर गुड सैलरी कहीं है तो मकाऊ, उसके बाद हांगकॉन्ग। तो ये तो जगह ऐसी है जहाँ पे आप काम करते हो तो अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। लेकिन हांगकॉन्ग और मकाऊ में दिक्कत क्या, हांगकॉन्ग थोड़ा सस्ता है, मकाऊ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बस ये थोड़ा सा दिक्कत है हांगकॉन्ग और मकाऊ में। तो मकाऊ का जो ब्लू कार्ड है, अगर आप वहाँ पे जाओगे काम, अगर आपको मिलेगा सर्च करोगे तो मकाऊ का ब्लू कार्ड बन जाता है और आपको वहाँ पे काम मिल जाएगा काफ़ी अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ मकाऊ में क्या किस सेक्टर में आपको काम मिलेगा। सबसे ज़्यादा अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी पूरे मकाऊ में कहीं है तो वो होटल इंडस्ट्री में है, होटल सेक्टर में है, बार में है, पब में है, नाइट क्लब में है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पूरी दुनिया के, हर कंट्री के लोग यहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए। तो मकाऊ जो है वो बहुत ही बेहतरीन देश है और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग गैम्बलिंग करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ के जो होटल हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव मकाऊ में होटल हैं। तो होटल इंडस्ट्री में आप मकाऊ में आप अच्छा खासा जॉब पा सकते हो मकाऊ के अंदर। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ मकाऊ में जॉब, तो मकाऊ में सिक्योरिटी गार्ड की लाइन में भी आपको अच्छा खासा जॉब मिल सकता है। अगर आप मकाऊ में जॉब सर्च करते हो तो आपको सिक्योरिटी गार्ड के लाइन में भी आपको जॉब मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड के लाइन में भी आपको जॉब मिलेगा। और सिक्योरिटी गार्ड की भी जो जॉब है वहाँ पर अगर आप करते हो तो आपको एक अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। अगर आपकी बॉडी फिट है, अगर आपका हेल्थ सही है तो आप वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे हैं, इंडिया के हैं, तमाम देशों के हैं जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर भी हैं जो मकाऊ में काम करते हैं, मुझे ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, उनसे बात होता है। होटल इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है, अगर होटल में आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखता है अगर आप किसी भी विदेश में, किसी भी कंट्री में अगर आप काम करने के लिए जा रहे हो तो। होटल इंडस्ट्री में भी मकाऊ में काफ़ी सारी जॉब हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको मकाऊ में होटल इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो वहाँ। और उसके बाद बात करता हूँ इंग्लिश टीचर की, अगर आपको इंग्लिश काफ़ी अच्छा आता है तो आप इंग्लिश तो अगर आपको अच्छा आता है इंग्लिश टीचिंग में आपको काम मिल जाएगा काफ़ी आसानी के साथ में। तो मकाऊ में ये सब काम हैं ये आपको काफ़ी आसानी के साथ मिलेगा। हाँ, फैक्ट्री वर्क, लेबर वर्क, ये मकाऊ में थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं जो मैंने सेक्टर बताया है वो आपको मिलेगा। लेबर वर्क जो है वो गल्फ साइड में ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ हुआ करता है। तो मकाऊ में जो कंस्ट्रक्शन वर्क इतना नहीं है, तो लेबर का जो जॉब है वहाँ पे ज़्यादा, लेबर वर्क वहाँ पे ज़्यादा है नहीं। तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो मकाऊ में आपका वेलकम है, आप वहाँ काम कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।